हेलो जी नमस्कार सलाम सत श्रीकाल विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स भारत का भविष्य ऑल माय राजा बेटा एंड रानी बेटियां आई ऑलवेज से दैट मेरी तरफ से आपको ढेरों गुड विशेज हैं जी आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए एम फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी अच्छा लगता है ना सुनने में अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं आ, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायो में से आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आएगा ना ट्रस्ट मी वो है फिजियोलॉजी और जो आपको मुश्किल लगेगा बायो -केमिस्ट्री. मैं मुश्किल लगने नहीं दूंगा ट्रस्ट मी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायो केमिस्ट्री न्यूरो अनाटमी हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी ये सारे विषय आपको इसी चैनल पर पढ़ाए जाएंगे प्लेलिस्ट एक्सप्लोर जरूर कर लीजिएगा आज मैं होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर टू आपके साथ लेने जा रहा हूं इससे पहले होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर वन ऑलरेडी हो चुका है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा होम्योस्टेसिस से रिलेटेड नोट्स पी वर्कशीट सब अवेलेबल है आज के इस सेशन के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं अलग अलग चैनल्स पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे एम बीबीएस स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ स्टडी मटेरियल शेयर करता हूं ठीक है जी और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा लोगों के साथ ये लेक्चर आगे शेयर कर दीजिए मोर द नंबर ऑफ लाइक माइंडेड पीपल मोर इज द पॉजिटिव एनर्जी ठीक है जी सो so, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन ट्वेंटी थ्री ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपके सामने हूं सोशल मीडिया पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर एट द रेट सचिन व्हाट्सएप नंबर पे नजर आ रहा है इस समय एंड भी आपको नजर आ रही है ठीक है जी वरुण कैसे हैं आप जी बढ़िया डॉक्टर ध्यानू ट्विंकल रिपू प्रवीण शेखर फैजल अंकुर जी सबका तहे दिल से स्वागत है ऑल माई राजा बेटा एंड बेटियां ओके जी नाउ चलो मुद्दे की बात पे आते हैं अब शुरुआत करते हैं मैंने अपने पिछले सेशन में आपको बताया था कि होमियोस्टेसिस क्या होता है द द मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ ऑफ अ रिलेटिवली ध्यान दीजिएगा रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट होमियोवर्ड रेफर्स टू सिमिलर स्टेसिस मीनस स्टैंड और स्टे होमियोस्टेसिस ऑफ रिलेटिवली स्टेबल हंड्रेड परसेंट स्टेबल नहीं हो पाएगा एक ये टर्म हमने पढ़ा था पिछले सेशन में माइल्यू इंटीरियर क्लोडे बर्नार्ड फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लोडे बर्नार्ड ने ये टर्म दिया था और इसका मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट जो होम्योस्टेसिस टर्म है ना होमियोस्टेसिस टर्म दिया था बेटा वॉल्टर ब्रेडफर्ड कैनन ने एबिलिटी टू इंटरनल नियरलींटरमेंट फिर ऑर्गेनिज्म okay? no. ऐसे एनवायरमेंट में है उसके चारों तरफ जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है जो कभी एक जैसा नहीं रहता स्टेबल नहीं रहता इनफैक्ट ऑर्गेनिज्म के अपने अंदर की कंडीशन भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती बदलाव तो होते ही रहते हैं कभी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हुआ कभी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ा कभी पीएच चेंज हुआ तो एक्सटर्नल चेंजेस इंटरनल चेंजेस ये दोनों तरह के बदलाव हमेशा होते रहते हैं ओके okay? मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस में अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उसके अंदर बाहर के वातावरण में कोई परिवर्तन हुआ या किसी वजह से शरीर के अंदर कोई परिवर्तन हुआ ना इंटरनल चेंजेस रिजल्ट इन लॉस ऑफ होम्योस्ट्रेसिस कोई भी बदलाव आया तो होम्योस्ट्रेसिस में गड़बड़ होने लगी अब उसे ठीक करना है द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म टू वो लिविंग उसे दर्गेनिज्म करना चाहेगा अगर तो उसका कंपनसेशन सक्सेसफुल रहा द कंपनसेशन सक्सीड्स सक्सेड मेंटेन हो गया दैट मीन वेलनेस यानी अब वो ठीक ठाक हो गया अगर कंपनसेशन फेल हुआ वो ऑर्गेनिज्म उस डिस्टर्ब होम्योस्ट्रसिस को ठीक नहीं कर पाया प्रांजू बेटा सुनिए तो क्या हो जाएगा इलनेस या डिजीज तो जब हमें बीमारी होती है इलनेस होती है उस समय मेटाबॉलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ है ऑर्गेनिज्म बीमारी में भी होम्योस्टेसिस को बना के रखना चाहता है हमारे शरीर में हर समय कई तरह के होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहे हैं इंट्रा लेवल पर भी एक्स्ट्रा लेवल पर भी राइट जी नाउ फीडबैक होमियोस्टेटिक मैकेनिज्म एक वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज फीडबैक फीडबैक शब्द का मतलब क्या है फीडबैक का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का संचार होना इंफॉर्मेशन का फ्लो होना इन अ क्लोज्ड लूप ध्यान दीजिएगा इट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ क्लोज्ड लूप मान ली कोई एक्शन हुआ उसका कोई असर हुआ इफेक्ट हुआ उस इफेक्ट ने एक्शन को फिर से प्रभावित करा सपोज कीजिए हम चार लोग एक लाइन में खड़े हैं और है आप है, आपके आपके मित्र है आपने अगले फ्रेंड को धक्का दे दिया बी बी ने उससे अगले फ्रेंड को धक्का दे दिया से C. C. ने आके फिर मुझे धक्का दे दिया तो ये एक फीडबैक लूप हो गया ना सो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्लोज्ड लूप इज व्हाट इज कॉल्ड एज फीडबैक क्लियर है जितनी बात ना होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म दो तरह के हैं इंट्रेंसिक कंट्रोल एंड एक्सट्रेंसिक कंट्रोल दोनों ही ऑपरेट होते हैं राइट right, जी

और वो स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी ताकि वो मसल को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सके तो मसल का ये अपना कंट्रोल कंट्रोल मैकेनिज्म मैकेनिज्म था का मतलब होता है जहां पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिल करके शरीर के बाकी सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं इन बातों को मैंने पिछले सेशन में डिटेल में बताया है आप प्लेलिस्ट में पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं ठीक है जी ना आज हमने मुख्य रूप से जिक्र करना है होम्योस्टेटिक कंट्रोल के टाइप्स फीडबैक होता है एक होता है फीड फॉरवर्ड और फीड फॉरवर्ड सुनिएगा फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है इन दिस और द आउटपुट ऑफ एन एक्शन इज रिटर्न टू मॉडिफाई द नेक्स्ट एक्शन राइट कोई भी बदलाव हुआ उसके कारण जो नतीजा आया वो नतीजा वो रिजल्ट वापस फीडबैक क्रिएट करता है एग्जाम्पल लेते हैं सपोज राइट एक नेगेटिव फीडबैक का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तापमान का बॉडी टेम्परेचर मान लीजिए किसी कारण से बढ़ गया आपके शरीर का तापमान बढ़ा शरीर का तापमान बढ़ा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन है हाइपोथैलेमस मान लीजिए कोई भी आपको इंफेक्शन हुआ जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हाइपोथैलेमस ने बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया है भाई अब ये बड़ा रहना तो नहीं चाहिए इसे कंट्रोल करना पड़ेगा तो शरीर में कूलिंग मैकेनिज्म भी है हमारी जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्टिवेट होंगी स्वेटिंग होगा जब परस्पीरेशन है पसीना आ रहा है जब वो पसीना इवेपोरेट करेगा इवेपोरेशन गिव्स यू अ कूलिंग इफेक्ट जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर इज ब्रॉड बैक टू द नॉर्मल या मान लीजिए आप धूप में खड़े गर्मी में खड़े बहुत ज्यादा गर्मी लग रही इतनी ज्यादा गर्मी में हमें पसीना आने लग जाता है पसीना जब आता है तो हमें ठंडक महसूस होती है जब हवा चलेगी पसीना सूखेगा इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है ठीक है ठीक जी सो दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म फीडबैक मैकेनिज्म में जो बदलाव है जो चेंज है वो एक्चुअल में हुआ है मैं आपको फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड का ना डिफरेंस बता रहा हूं फीडबैक मैकेनिज्म में बदलाव एक्चुअल में हुआ जो फीड फॉरवर्ड होता है ना फीड फॉरवर्ड में शरीर अपने आप को पहले से ही तैयार कर लेता है हालांकि अभी वो बदलाव हुआ भी नहीं से फॉर एक रेस में दौड़ना है मुझे मैं भी हूं उस रेस में आप भी हैं हम सब लोग एक लाइन पे खड़े हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से स्टार्ट होना है जैसे ही बंदूक की गोली चलेगी हम फटाफट दौड़ना शुरू कर देंगे लेकिन हमारे आंख कान इस सब चीज को महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये रेस शुरू होने वाली है हमें तेज दौड़ना है तो हमारे दिल की धड़कन पहले ही तेज हो जाती है हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है द चेंज हैज एक्चुअली नॉट अकर्ड अभी है ना एंटीसिपेशन हो गया उसका पहले से ही पूर्वानुमान पूर्वाभास हो चुका है सो so वो फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म है फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में इन दिस टाइप ऑफ़ कंट्रोल सिस्टम पहले से ही एंटिसिपेशन हो जाता है डिस्टर्बेंस होने वाली है सो so, शरीर अपने आप को पहले ही तैयार कर लेता है इट मींस सिस्टम इज क्रिएटिंग अ कंडीशन इन द एंटिसिपेशन द चेंज विल अकर इज इट क्लियर जी नबीन राइट right? मैं चाहूंगा आपके प्यारे प्यारे लाइक जरूर आते रहे साथ साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होने वाली हैं सो so, अभी तक हम ये समझ गए होमियोस्टेसिस टर्म का मतलब क्या है राइट क्लाउडे बर्नार्ड का दिया हुआ टर्म क्या था एंड वाल्टर कैनन का दिया हुआ टर्म क्या था फीडबैक शब्द का मतलब क्या है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ क्लोज लू फीडबैक मैकेनिज्म फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म दोनों का अंतर समझे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कौन कौन से हैं शरीर में और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिजम्स कौन कौन से हैं ज़्यादातर शरीर में ऑपरेट करने वाले मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हैं क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होते हैं ना वो और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं बदलाव को हम अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे पहले नेगेटिव फीडबैक का परिभाषा देख लेते हैं एमबीबीएस का जब आपका एग्जाम होता है ना तो उसमें ही क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डिफाइन व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए डेफिनेशन है व्हेन द इफेक्टर अपोजेस द स्टिमुलस से फॉर एग्जाम्पल अ ड्रॉपिंग टेम्परेचर तापमान गिरा अब ये गिरा हुआ तापमान क्या यही चाहेगा और ज्यादा टेम्परेचर गिरता रहे नहीं ना ये गिरा हुआ तापमान जो है दिस इज गोइंग टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज यानी इट इज कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज टेम्परेचर डिक्रीज हुआ नतीजा ये होना चाहिए कि अब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए भाई नॉर्मलाइज किया जाए सो द कंट्रोलर इज गोइंग टू एक्ट ऑपोजिट एंड एरर इज मिनिमाइज्ड अभी एरर क्या है ये आज हम समझेंगे गेन क्या होता है किसी फीडबैक मैकेनिज्म का उसी में आपको बताऊंगा कि एरर क्या होता है चलिए एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का अगर आपको फ्लोचार्ट बनाना हो तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा फ्लोचार्ट है जो आप अपने आंसर शीट में बना सकते हैं ठीक है ये मैंने अपने पिछले सेशन में भी आपको एक्सप्लेन करा था सुशील जी क्लियर है बेटा नौ no. ध्यान रखिएगा दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या बात है ये मोस्ट सिस्टम्स सपोर्टिंग दे ऑपरेट बाय नेगेटिव फीडबैक फीडबैक बिकॉज जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा खतरनाक है वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं सपोज करो हाइपोथैलमस ने एक हार्मोन बनाया वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करा पिट्यूटरी का हार्मोन थारॉइड पे एक्ट करा थाड ने एक हार्मोन बना दिया थायरोक्सिन अगर ये थायरोक्सिन जो है ये वापस हाइपोथैलेमस को जाके पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट दे तो ये हाइपोथैलेमस को कहेगा तुम और ज्यादा अपना हार्मोन बनाओ तो चीजें एम्पलीफाई होती गई ना वहां तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी कंट्रोल में थोड़े ना आई चीज तो ज्यादातर फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है वेन द इफेक्टर री द स्टिमुलस जो असर हुआ है जो इफेक्टर है उसने स्टिमुलस को री करा जैसे यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दैट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। हाइपोथैलेमस में बनता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है प्रेग्नेंसी के जो लास्ट डेज होते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड बेबी जो है वो रोटेट करता है बेबी रोटेट करता है और उसमें क्या होता है बच्चे का जो सिर है वो आकर के सर्विक्स पे एडजस्ट हो जाता है पार्चुरेशन मैकेनिज्म अभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा सपोज कीजिए ये बेबी का हेड है राइट right जी दिस इज व्हाट इज ऑफ द बेबी दिस इज गोइंग टू एग्ज प्रेशर ऑन द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द सर्विक्स है ना सर्विक्स इज द लोअर नैरोस सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर को इसने स्टिमुलेट किया तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स से यह संदेश न्यूरोन्स के थ्रू कहां पहुंचा यह संदेश न्यूरोन्स के थ्रू हाइपोथेलेमस तक पहुंचा सर्विक्स स्ट्रेच हो रहा है हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन राइट एंड थ्रू न्यूरॉन्स इट टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो पोस्टीरियर पिट्यूट्री तक मैसेज पहुंचा पोस्टीरियर पिट्यूट्री को हाइपोथैलेमस ने अपने द्वारा बनाया गया ऑक्सीटोसिन भेज दिया ियर पिट्यूट्री से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो गया ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड के थ्रू यूट्रस तक पहुंचा और ऑक्सीटोसिन कॉजेज दी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द यूट्रस यूट्रस के मायोमेट्री में जो स्मूथ मसल्स हैं ऑक्सीटोसिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा अब वो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बच्चे के सिर पर और ज्यादा दबाव लगाएगा तो बच्चे के सिर पे पड़ने वाला दबाव फिर से स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो एक विशेष साइकिल शुरू हो जाता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं हो जाएगी ठीक है सो द पॉजिटिव फीडबैक इज स्टिमुलेटरी फीडबैक इज बेनिफिशियल टू दॉडी बहुत कम एग्जाम्पल्स बहुत कम उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर पॉजिटिव फीडबैक शरीर के लिए फायदेमंद है जैसे पार्च्यूरेशन हो गया चाइल्ड बर्थ या ब्लड क्लॉटिंग लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव फीडबैक इज हार्म एज वेन द फीवर कॉन्टिन्यूस टू राइज मान लो आपके शरीर का तापमान बढ़ा बड़े हुए तापमान ने फिर से तापमान और ज्यादा बढ़ा दिया तो अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया सेवन डिग्रीज इंक्रीज कर गया तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है राइट right? जिस भी केस में हमें ऐसा एग्जाम्पल मिले दैट द पॉजिटिव फीडबैक इज यूजफुल इन ईच केस वेयर द पॉजिटिव फीडबैक इज यूजफुल इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस जहां भी कहीं ऐसी एग्जाम्पल मिली ना कि भाई पॉजिटिव फीडबैक है और वो फायदे वाला है तो समझ जाइएगा कोई एक बड़ा नेगेटिव फीडबैक लूप ऑपरेट कर रहा है जैसे प्रेगनेंसी है फर्टिलाइजेशन हुआ फीमेल प्रेग्नेंट होगी शरीर में पूरे तरह के बदलाव आने लगे होमियोस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ अब इस होमियोस्टेसिस को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए बच्चे की डिलीवरी होना जरूरी है यानी वो पॉजिटिव फीडबैक पार्चुरीशन होना जरूरी है तो जहां पे आपको पार्चुरेशन एक पॉजिटिव फीडबैक मिला आप समझ जाइएगा कि एक बड़ा नेगेटिव फीडबैक लूप है यानी गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी जिसे नॉर्मलाइज़ करने के लिए जिस डिस्टर्ब होमियोस्टेसिस को नॉर्मल करने के लिए वो पॉजिटिव फीडबैक लूप ऑपरेट कर रहा है एक और एग्जाम्पल

जेटिव फीडबैक प्रोसेस इट इज एक्चुअली बात फीडबैक मैकेजमी साइकिल भी कह देते हैं यह बात मैंने आपको पहले ही बताई विशेष साइकिल क्यों क्योंकि जो रिजल्ट है वो वापस दोबारा से एम्पलीफाई एम्पलीफाई होता जा रहा है इसलिए राइट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिड्यूज ओरिजिनल स्टिमुलस स्टिमुलस ने जो रिस्पॉन्स करवाया उस रिस्पॉन्स ने ओरिजिनल स्टिमुलस को रिड्यूज कर दिया राइट एंड दिस इज द प्राइमरी टाइप ऑफ द होम्योस्टेटिक कंट्रोल शरीर में अगर आपसे पूछा जाए एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे विच इज द प्राइमरी टाइप ऑफ होम्योस्टेटिक कंट्रोल इन द बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म राइट right? क्लियर है जी ऑल माई राजा बेटा रानी चलो अब हम उदाहरण के साथ समझते हैं आपको क्वेश्चन में जो एमबीबीएस में क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर में आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए उदाहरण के साथ एग्जांपल्स के साथ राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल नंबर वन थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर का रेगुलेशन अब मैं आपको इसमें सेंट्रल कीमो रिसेप्टर सेंट्रल थर्मोरिससेप्टर एंड पेरीफेरल थर्मोरिसप्टर के बारे में बताऊंगा तो थर्मो रेगुलेशन अभी हम पॉजिटिव फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर बाद मैं इस चीज को आपको फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में भी उदाहरण लेकर के बताऊंगा सुन लीजिएगा ध्यान से पहले एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नंबर वन रेगुलेशन नंबर टू इंसुलिन मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज बनाते हैं ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटाता है है ना देन पिट्यूटरी हॉर्मोन रिलीज पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट करते हैं वहां से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं वो वापस पिट्यूटरी को आके नेगेटिव फीडबैक देते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप्स भी होते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप्स भी होते हैं फिलहाल अभी हम नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल्स देख रहे हैं देन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन आई विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल देन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन रिफ्लेक्स होता है ठीक है जी चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं थर्मोरेगुलेशन आप जानते हैं बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन है हाइपोथैलेमस राइट नो द कोर टेम्परेचर जो है शरीर का दैट रेंजेस बिटवीन 36.1 डिग्री सेल्सियस एंड 37.8 डिग्री सेल्सियस एक रेंज होता है मैंने आपको यह भी बताया था कि जो सेट पॉइंट्स होते हैं ना ये चेंज भी हो जाते हैं सेट पॉइंट हमेशा एक इंसान में एक ही नहीं जरूरी नहीं है कई कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जहां पे वो सेट पॉइंट भी डिस्टर्ब हो जाता है न एवरेज जो हम शरीर का तापमान कहते हैं थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस है एंड दिस इज वट इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ना एज द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस किसी कारण से शरीर का तापमान अगर बढ़ा this will be sensed by the sensory receptors and they will send the information to hypothalamus please remember hypothalamus is the thermostat of body jab ek insaan ki mrityu ho jati hai तो hypothalamus काम करना बंद कर देता है लाश ठंडी पड़ जाती है That fall in body temperature after death is what is called Algar mortis. A rigor mortis bhi hota hai na. muscles enter a prolonged state of contraction in a dead body. That stiffness of the muscles is called rigor mortis. ye आपको algor mortis bata हाइपोथैलेमस कहाँ है ब्रेन का हिस्सा है ब्रेन तीन हिस्सों में विभाजित कर लीजिए फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है डायएनसेफालोन होता है ऑलफैक्टरी लोब्स होती हैं हाइपोथैलेमस इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ डायएनसेफालोन हाइपोथैलेमस फॉर्म्स फ्लोर ऑफ डायएनसेफालोन याद रखना ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है बच्चे राइट जी प्रभा इज इट क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं सो मैंने बताया शरीर का तापमान डिस्टर्ब हुआ शरीर के अंदर सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स ऑर्गन्स के पास थर्मोरिसेप्टर्स ने डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस को संदेश भेज दिया कि भाई तापमान बढ़ रहा है हाइपोथैलेमस अब जो तुम्हें करवाना है वो करवाओ लेकिन टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करो अगर टेम्परेचर नॉर्मेलाइज नहीं हुआ शरीर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा है ना आपको पता है मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है एंजाइम्स एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर सो द हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस बाय कैसे हाइपोथैलेमस क्या करेगा इट इनिशिएट्स वेसोडाइलेशन ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देगा ब्लड वेसल्स जब डायलेट कर जाएंगी फैल जाएंगी तो हीट लॉस होगा वहां से है ना एंड हाइपोथैलेमस स्वेटिंग करा देगा स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि ज्यादा पसीना आएगा बाय कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व्स, राइट हम सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स उन्हें कहते हैं जो एसिटाइल कोलीन को एज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं तो स्वेट ग्लैंड्स को एसिटाइल कोलीन संदेश देता है कि तुम ज्यादा पसीना बनाओ अब जब ज्यादा पसीना बनेगा स्वेट इवैपोरेट करेगा तो कूलिंग इफेक्ट हुआ ठीक है जी सो so, तापमान बढ़ा शरीर का कोर टेंपरेचर किसने डिटेक्ट किया सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर ने किसको मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को Hypothalamus ने किसको मैसेज भेजा ब्लड वेसल्स को स्वेट right? तो गुप ठीक है जी? So, में हमने एक समझ लिया थर्मोरेगुलेशन ये क्वेश्चन एज इट इज एमबीबीएस में पूछा जाता है ना अब मान लो इसका उल्टा हो गया व्हेन द कोर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस तापमान अगर घट गया अंदर का तो क्या होना चाहिए दे शुड बी वैसो कंस्ट्रिक्शन बाई नर्व स्टिमुलेशन अगर तापमान घटा अंदर के सेंट्रल ने हाइपोथैलेमस को कहा कि तापमान घट गया है हाइपोथैलेमस कहेगा भाई अब तो बढ़ाना पड़ेगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें कंस्ट्रिक्ट कर दो वैसो कंस्ट्रिक्शन जब हो जाएगा तो हीट लॉस कम हो जाएगा एंड सेकंड दिस इज गोइंग टू इनिशिएट शिवरिंग शिवरिंग मतलब कांपना जब हम कांपते हैं तो कांपना इनवॉलेंट्री एक्शन है स्केलेटल मसल इन्वॉल्व है इसमें स्केलेटल मसल तो वॉलेंट्री होते हैं यू नो स्केटलट्री मसल लेकिन शिवरिंग के केस में देर इज इन वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉलेंट्री स्केलेटल मसल ठीक है इसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंज भी तो आएंगे ना जब ठंड लग रही है यू आर गोइंग टू वियर द वॉर्म क्लॉथ बेड बिस्तर में आप बैठ जाएंगे जाकर के ऐसे रजाई लेकर के भैया ठंड लग रही है बचाने अपने आप को सो सरफेस एरिया आपने कम करा स्किन का एंड देर विल बी प्रिवेंशन ऑफ द हीट लॉस आप कहेंगे गरम गरम पानी भी पिया जाए गरम गरम कॉफी पी जाए भैया ठंड लग रही है बचाओ खुद को ठंड से बचना बहुत जरूरी है ठीक है जी

पहला एग्जाम्पल हमने थर्मोरेगुलेशन लिया तापमान का बढ़ना तापमान का घटना दोनों चीजें हमने देखी और हाइपोथैलेमस उसे कैसे कैसे रेगुलेट करता है डायलेशन स्वेटिंग होना है वो सब चीजें मैनेज होती हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल इज सुशील बेटा आर्यन बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इंसुलिन मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज राइट ग्लूकोज प्रिंसिपल फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स ग्लूकोज का एक नॉर्मल लेवल मेंटेन रहना जरूरी है अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो यह नुकसानदायक बात है ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी है ना सो इंसुलिन हॉर्मोन जो है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रिया से रिलीज होता है सो so, इंसुलिन कहेगा कि भाई ग्लूकोज मैं तुम्हारा लेवल कम करके रखूंगा इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल दो तरीके से कम करता है या तो इंसुलिन सेल्स को कहेगा कि फटाफट तुम ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लो अगर सेल्स कहेंगे हाँ ठीक है हम इस्तेमाल कर लिया हमें और नहीं चाहिए तो इंसुलिन कहेगा लिवर अब तुम एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है जी नौ, सुन ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज आफ्टर द मील आपने भोजन खाया है ना पेट में भोजन गया इंटेस्टाइन में गया डाइजेस्ट हुआ ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा कार्बोहाइड्रेट आप कोई भी खा लीजिए वट कार्बोहाइड्रेट यू ईट अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज फ्रक्टोज लिवर में फ्रक्टोस और ग्लूकोज चेंज हो जाते हैं ग्लूकोज so, का लेवल बढ़ा मील के बाद अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिस रिलीज इज इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज ग्लूकोज का लेवल बढ़ा चलो जी लिख देते हैं ग्लूकोज लेवल इंक्रीज दिस इज गोइंग टू कॉज रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है इसके पास एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट है एंडोक्राइन पार्ट इज आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड जिसमें अल्फा सेल बीटा सेल डेल्टा सेल पी सेल्स होते हैं तो बीटा सेल्स ने कहा ठीक है भैया चिंता नहीं करो बड़े हुए ग्लूकोज हम तुम्हें ठीक कर देंगे हम अपना एक हॉर्मोन रिलीज कर रहे हैं इंसुलिन और इंसुलिन कहेगा ग्लूकोज मैं आ गया हूं और मैं एक हाइप हार्मोन हूं इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसमिक हार्मोन। हाइपो का मतलब है कम करता है को बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम करता है ठीक है जी कैसे कम करेगा इंसुलिन दो तरीके से कम करेगा विल फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स इंसुलिन ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज ये हो गया रिस्पॉन्स ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन फिर कम हो जाती है लोअर डाउन है जब ब्लड ग्लूकोज कम हो गया तो इंसुलिन कहेगा ठीक है अब मेरा काम भी हो गया अब मैं भी कम हो जाऊं सो इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय टू वेज इट स्टिमुलेट्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स एंड सेकेंड इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को वीर प्रताप यास्मीन अख्तर बताइए मुझे

प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन इज वॉट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेसिस ग्लूकोज से आशीष ने सही कहा है चांद ने सही कहा ग्लाइकोजेनेसिस ठीक है और जब ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनता है दैट इज ग्लाइकोजीनोलाइसिस लिवर में सब कुछ हो रहा है ग्लाइकोजेनिस ग्लाइको ग्लूकोनियोजेनिस ग्लाइकोजीनोलाइसिस ब्रेक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट सोर्स देखो यह ये बड़ा ही खूबसूरत अगर आपने आनंद वेदांत एग्जामिनर का पूरे नंबर दे दो इसको सो देख लो ध्यान से आपके लिए इतना अच्छा अच्छा खूबसूरत सा मेटीरियल में चुन चुन के लेके आता हूं देखो कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल हुआ रेगुलेट कैसे हुआ ईटिंग आपने कुछ खाया ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस पैनक्रियास के बीटा सेल्स को पता चल गया ऑफ में जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स उन्होंने कहा हम इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं इंसुलिन का लेवल बढ़ा इंसुलिन का लेवल बढ़ा तो इंक्रीज इन द सेलुलर अपटेक ऑफ द ग्लूकोज जिसके कारण नतीजा ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हुआ और ये देखो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट दिखा दिया हमने क्लियर है जी अब फास्टिंग इसका उल्टा अगर हम करें आपने कुछ नहीं खाया भाई भूखे हैं आप व्रत रखे हुए हैं आपने आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल घटने लगा पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उन्हें पता चला भैया ग्लूकोज कम है तो भाई तुम प्लीज इंसुलिन को कम कर दो और कौन से हार्मोन को बढ़ा दो वो कहेंगे ठीक है ठीक है भाई डरो मत हम ग्लूकागोन का लेवल बढ़ा देते है ना यहां पर एल्फा सेल्स भी हैं यहां पर बीटा सेल्स भी हैं बीटा सेल्स इंसुलिन बनाएंगे अल्फा सेल्स ग्लूकागोन बनाएंगे ग्लूकागोन जो होता है बेटा ग्लूकागोन इज हाइपर ग्लाइसमिक हॉर्मोन इंसुलिन हाइपो है ग्लूकागोन इज हाइपर ग्लाइसमिक हॉर्मोन ग्लूकागोन कहेगा जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है लिवर में मैं उसे तोड़ के ग्लूकोज बना देता हूं ठीक है जी और सेल्स का जो अपटेक ऑफ ग्लूकोज है वो तभी अल्टीमेटली इंक्रीज होगा जब उन्हें ग्लूकोज मिलेगा सो लिवर से ग्लूकोसिकेशन इन टू द ब्लड हो जाएगा ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा यह चार्ट क्लियर है जी सबको हां जी अंकित बेटा फ्लो चार्ट क्लियर है सबको अच्छा बताओ मजा आ रहा है ना फिजियोलॉजी पढ़ने में है ना सच में दिल से बता ना प्यारे प्यारे हार्ट भेज दीजिए अगर दिल से मजा आ रहा है तो ओके मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूं नेगेटिव फीडबैक लूप के पहला एग्जाम्पल थर्मोरेगुलेशन सेकेंड एग्जाम्पल इंसुलिन का रिलीज होना और ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होना तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं नेगेटिव फीडबैक लूप का। सुनो जी, तीसरा एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले हॉर्मोन सो पिट्यूटरी हॉर्मोन रिलीज ध्यान दीजिएगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड बाकी जो टारगेट ग्लैंड हैं इनके बीच में एक लूप चलता है लूप के वे में ये हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं थैंक यू सो मच कुंदन प्रज्ञा रिंकू सुशील थैंक्स सुनो जी रिलीज ऑफ रिलीजिंग हॉर्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इज बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अच्छा अभी बता देता हूं ये रहा जी हाइपोथैलेमस च इज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस ने सपोज बनाया जी एन आर एच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन ये पहुंचा पिट्यूट्री ग्लैंड की एंटीरियर लोब तक यानी एंटीरियर पिट्यूट्री ग्लैंड तक एंटीरियर पिट्यूट्री ने इसके रिस्पांस में एल एच एन एफ एस एच बनाए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन ये हॉर्मोन्स जाकर के गोनेड्स पे एक्ट करें गोनेड्स क्या हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टीज फीमेल में ओवरीज गोनेड्स ने इसके रिस्पॉन्स में अपने हारमोन्स बनाए जिन्हें मैंने लिख दिया यहां पर सेक्स हॉर्मोन्स मेल के केस में एंड्रोजेंस इंपॉर्टेंट एंड्रोजनस टेस्टोस्टिर अलावा और भी एंड्रोजन होते हैं डाइहाइड्रोटेस्ट्रोस्टिर एंड्रोस्टेनिडायोन फीमेल के केस में ईस्ट्रोजेंस ईस्ट्रोजन इज अ कैटेगरी विच इंक्लूड्स ईस्ट्रोन ईस्ट्रायल ईस्ट्राडायल अब मान लो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं टेस्टोस्टिरोन की तो इसका फर्दर हाइपोथैलेमस के पास जाके और इवन पिट्यूटरी के पास जाकर के भी एक नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होगा कि भाई बस करो हाइपोथैलेमस और ज्यादा जीएनआरएच ना बनाओ अगर इसने पॉजिटिवली इफेक्ट करा टेस्टोस्टेरोन ने वापस हाइपोथैलेमस से कहा कि तुम और टेस्टोस्टेरोन बनाओ है ना और जीएनआरएच बनाओ तो तो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप हो गया तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा नाउ यू गेटिंग इट थैंक यू सो मच जी बजरंगी शाह थैंक्स अ लॉट बेटा ओके अब एक एग्जाम्पल यहां पर और देख लेते हैं पिट्यूटरी हॉर्मोन रिलीज वाली देखो हाइपोथैलेमस से आता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन ये रहा हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा सी आर एच कॉटिकोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये पहुंचा एंटीरियर पिट्यूटरी तक कौन पहुंचा सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने एंटीरियर पिट्यूटरी को संदेश दिया कि तुम बनाओ अपना हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ने कहा ठीक है मैं बना रही हूं एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के नाम से ही पता चल रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा यह एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करा और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है

नेगेटिवली, नेगेटिव negative तरीके से प्रभावित करा हाइपोथैलेमस को और इंटीरियर पिट्यूटरी को और कहा कि बस भाई बस और ज्यादा काम मत करो और ज्यादा सीआरएच मत बनाना हाइपोथैलेमस पिट्यूट्री और ज्यादा एसीटीएच मत बनाना अगर तुमने और ज्यादा बना दिया तो कोर्टिसोल का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा हो गया ना नेगेटिव फीडबैक लूप क्लियर है जी सुशील कुमार क्लियर हो गई बात तो ये एग्जाम्पल भी हम इज एज इट इज लिख सकते हैं अपने आंसर में ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है इंक्रीज लेवल ऑफ टी थ्री टी फोर हॉर्मोन टी थ्री इज वॉट ग्लैंड रिलीज करती है टी इज टेट्रा आइडो टी फोर का ही दूसरा नाम होता है थाइरोक्सिन टी थायरोक्सिन सो हाइपोथैलेमस ने बनाया भाई अपना हार्मोन दैट इज कॉल्ड टी आर एच रिलीजिंग हार्मोन किसने बनाया हाइपोथैलेमस ने हाइपोथैलेमस ने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूट्री को भेज दिया और एंटीरियर पिट्यूट्री ने उसके रिस्पॉन्स में बनाया टी एस एच थार स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थारॉयड ग्लैंड तक आया थारॉइड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स हैं उन्होंने कहा ठीक है भाई हम बना रहे हैं टी थ्री और टी फोर राइट अब ये टी थ्री टी फोर का लेवल वापस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कहता है कि बस भैया तुम कम कर दो अपनी सिक्रीशन सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक लू क्लियर है अंकुर बेटा चलो आगे बढ़े अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इज इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड हमारे ब्लड में अगर सीओ टू का लेवल बढ़ा तो कौन स्टिमुलेट हो जाएगा कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे हमारे मेडुला में कीमो रिसेप्टर द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन ध्यान दीजिएगा कहां पे है मेडुला ऑफ ब्रेन हैज सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स भी हैं वो आयोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज में हैं सो मेडुला के सेंट्रल रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अब ये क्या करेंगे दैट इज गोइंग टू स्टिमुलेट अब मेडुला मेडुला क्या करेगा के पास मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया है मेडुलरी एरिया विच मेंटेन्स द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज लोकेटेड इन मेडुला तो उसे पता चल जाएगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा है तो वो क्या कर देगा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग हम तेजी से सांस लेना शुरू कर देंगे वेंटिलेशन और बेहतर होगा लंग से सी टू बाहर निकलेगी एंड ऑक्सीजन अंदर आएगी क्लियर है जी ये भी एक नेगेटिव फीडबैक लूप हो गया ओके एन अदर एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव फीडबैक लूप बैरो रिफ्लेक्स इज बैरो रिफ्लेक्स इट इज रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ध्यान दीजिएगा हमारी जो आर्च ऑफ अयोटा है आर्च ऑफ अयोटा कहां है लार्जेस्ट वेसल इन द बॉडी ये रहा इज आयोटा के पास रिसेप्टर्स होते हैं ऐसे ही हमारी जो कैरोटिड साइनस होते हैं कैरोटिड बॉडी के पास जहां कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट करती है नेक रीजन में जहां पे कैरोटेड साइनस जो है ना ये डिटेक्ट कर लेते हैं किस चीज को दे डिटेक्ट द चेंजेस इन ब्लड प्रेशर सो बैरो रिसेप्टर्स दे सेंस द इंक्रीज इन बीपी बिकॉज दे आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स दे आर गोइंग टू सेंड इंपल्सिस टू मेडुला ऑफ ब्रेन ब्रेन के मेडुला रीजन को संदेश मिल जाता है इस बात का कि शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा है अब उसे रेगुलेट करना है मेडुला में बहुत सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं ब्रेन के मेडुला रीजन में मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया कार्डियोस्टिमुलेटरी एरिया कार्डियो एरिया वेसोमोटर सेंटर मेडुला में जो वैसोमोटर सेंटर होता है ना वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है वेसो मोटर सेंटर ऑफ द मेडुला रेगुलेट्स डायामीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है दिस इज बैरो रिफ्लेक्स नाउ इधर देखो इस फ्लोचार्ट के जरिए कितना खूबसूरती से समझाया गया है ब्रेन का जो मेडुला है ये ये देखिए ब्रेन मेडुला इट हैज वेसो मोटर सेंटर राइट जी सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू यह संदेश दे देगा ब्लड वेसल्स को और हार्ट को भी है ना सो आर्टीरियल प्रेशर अपने आप रेगुलेट हो जाएगा बैरोरिसेप्टर्स यहां पे क्या काम कर रहे हैं सेंसर्स वेरिएबल कौन सा है वेरिएबल इज द ब्लड प्रेशर ओके क्लियर है जी सो यह फ्लोचार्ट एज इट इज आप बना सकते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में मैंने आपको एग्जाम्पल्स बता दी नेगेटिव फीडबैक लूप की क्लियर हो गया नेगेटिव फीडबैक लूप में थर्मो रेगुलेशन बता देंगे देन इंसुलिन मीडिएटेड ब्लड ग्लूकोज रिलीज ओके उसके बाद आप एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स का उसके बाद आप एग्जाम्पल और दे सकते हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस करा है ब्लड प्रेशर का क्लियर है अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक पे आई टोल्ड यू पॉजिटिव फीडबैक लूप्स की एग्जांपल्स बड़ी कम होती हैं शरीर में क्योंकि एक विशेष साइकिल बन जाता है जो इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ाता जाता है इट फर्दर ब्रिंग्स इंक्रीज इन वेरिएबल इन टू द इनिशियल चेंज सो पॉजिटिव फीडबैक लूप्स जो है ना पॉजिटिव फीडबैक लूप्स दे लीड टू इनस्टेबिलिटी रादर देन स्टेबिलिटी एंड इन सम केसेस द पॉजिटिव फीडबैक लूप्स कैन कॉज डेथ ऑल्सो टेंपरेचर बढ़ा बड़े हुए टेम्परेचर ने मान लो ऐसा मैकेनिज्म करा दिया कि और बढ़ा दो टेम्परेचर इतना ज्यादा तापमान बढ़ गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी उससे आशीष कार्तिक क्लियर है निशांत थैंक यू सो मच जी राइट पानी फिर से पी लिया जाए अब हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप की क्या क्या एग्जाम्पल हैं शरीर में सुनो ये क्वेश्चन आपको पूरे पूरे नंबर दिला सकता है सपोज आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए

बेबी देबी फीड्स मदर राइट एंड देन ऑक्सीटोसन का रिलीज होता है और फिर काम करता है एक्शन पोटेंशियल ये भी अभी डिस्क्राइब करूंगा कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्को प्लाजमिक ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन तो ऑल माई राजा बेटा नानी बेटिया मैंने छह एग्जाम्पल्स दी आपको पॉजिटिव फीडबैक मेकैनिज्म के कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग एच सर्ज प्रायर टू ओव्यूलेशन फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स लैक्टेशन और कैसे इंपल्स आगे आगे बढ़ती है कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन देन और एग्जाम्पल बता रहा हूं जी मिक्चुरेशन दे हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स लंग इन्फ्लेशन इन द न्यू न्यूबॉर्न बेबी जब इस दुनिया में आया है तो पहली बार एयर रशे थ्रू द नॉस्ट्रल्स इन टू दंग्स लंग्स एक्सपेंड करते हैं इट प्रिवेंट्स द ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स लेकिन जो हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स है वो क्या करवाता है कि लंग्स में जब हवा भरी तो लंग्स फूले फूलने से वो और ज्यादा हवा भर जाएगी फिर और फूले तो एक पॉजिटिव फीडबैक मेकेनिज्म है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्टिवेट होना भी एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ठीक है जी सो so, एक बार फिर से देख पॉजिटिव लेंटिव एग्जांपल्स नंबर फोर लेटेशन नंबर फाइव हॉटकिन साइकिल नंबर सिक्स कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द एस और ये मिक्सूरिशन वगैरह क्या हो जाएगी नंबरिंग करेक्ट कर लेते हैं दिस इज नंबर सेवन मिक्चुरेशन नंबर एट एंड दिस इज नंबर नाइन, सो नौ मैंने आपको दे दी पॉजिटिव फीडबैक की, ठीक है जी? चल। पहले समझ लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्लॉटिंग कैसे कोई भी ब्लड वेसल में इंजरी हो गई कॉन्टिन्यूसली तो ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए सो so, उसको जल्दी से जल्दी शरीर को मैकेनिज्म इनिशिएट करना है कि ब्लड क्लॉट होने लग जाए सो वेन द ब्लड वेसल गेट्स डैमेज्ड सबसे पहले वहां पे प्लेटलेट्स आ जाती हैं है ना ब्लड वेसल की वॉल में जो डेमेज कोलेजन फाइबर्स हैं प्लेटलेट्स आ जाती हैं वहां पे व्हेन प्लेटलेट्स कम इन कॉन्टेक्ट विद एक्सपोज कोलेजन फाइबर्स तो प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टी होती है प्लेटलेट्स दे दे स्वेल फॉर्म अ प्लेटलेट प्लग उस जगह पे प्लेटलेट प्लग बना देती है ना और वो प्लेटलेट्स फिर कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जिससे कि और ज्यादा प्लेटलेट्स वहां पर आकर्षित होती जाए सो द प्लेटलेट्स कॉन्टिन्यू टू पाइलअप एंड इनिशिएट द क्लॉटिंग कैसकेद क्लॉटिंग में बेसिकली आपको याद है ना प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन फाइब्रिन ट्रैप्स द ब्लड सेल्स एंड देन इट फॉर्म्स अ क्लॉट कैल्शियम आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर रिक्वायर्ड इन ब्लड क्लॉटिंग राइट क्लियर है जी पार्टुशन रिफ्लेक्स थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस करा वो ऑक्सीटोसिन वाला ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है फुल टर्म पे प्रेगनेंसी की जब फुल टर्म है फीटस गेट्स एंगेज एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन को कहा भेजते हैं पैरा एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस सर्विक्स के स्ट्रेच थ्रू वो संदेश हाइपोथैलेमस को भेजते हैं हाइपोथैलेमस में कहां पे And nucleus, जहां पे ऑक्सीटोसिन बन रहा है ऑक्सीटोसिन को ही हम बर्थ हार्मोन कहते हैं हार्मोन भी कहते हैं ऑक्सीटोसिन को बर्थ हॉर्मोन इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम इज द मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ दॉल ऑफ द यूट्रस ओके ठीक है ये देखो कितनी खूबसूरती से इस uh, कह देंगे कि एक फीडबैक लूप की तरह दिखाया गया है राइट right? ये एक विशेष साइकिल बन जाता है और ये फिर तब तक चलता रहेगा जब तक कि बेबी का बर्थ नहीं हो जाता ऑक्सीटोसिन आके यूट्रस एक्ट करा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट contract कराया कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस ने बच्चे के सिर पे और दबाव डाला बच्चे के सिर ने सर्विक्स के रिसेप्टर पे वापस दबाव डाला फिर मैसेज गया हाइपोथल को फिर से और ऑक्सीटोसिन ठीक है जी क्लियर है राइट बेबी पुशेज अगेंस्ट सर्विक्स एंड कॉजेज इट टू स्ट्रेच the stretching of the cervix causes nerve impulses which are sent to brain the brain stimulates posterior pituitary to release oxytocin oxytocin banta hypothalamus meha store posterior pituitary hai, and it is stored in the form of

जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं कराया वीडियो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए एंड बेल आइकन हिट कीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ना ताकि उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे वहां मिल जाएगा सोशल मीडिया पे आप मुझसे जुड़े वहां पर भी आपको मिल जाएगा सो so यह था जी पार्चूरिशन रिफ्लेक्स की ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम पे एक्ट करा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाया विच टर्न फर्दर इंक्रीजेस प्रेशर ऑन द सर्विक्स अंटिल द फीटस इज डिलीवर्ड पॉजिटिव फीडबैक का नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं हॉडकिन साइकिल अब हॉडकिन साइकिल क्या है भैया बड़ा ही आसान है हम जानते हैं कि जो एक्सॉन है न्यूरॉन का उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोल जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होना है तो आपने स्टिमुलस दिया सोडियम का इन्फ्लक्स पोटेशियम बाहर सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर तो ये स्टिमुलस है अप्लाइड स्टिमुलस जो है इसने एक बार जब मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर दिया मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हुआ सोडियम चैनल्स ओपन है सोडियम सेल में एंटर करा फिर से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन तो मतलब ये एक विशेष सर्कल बन जाता है ये बार बार होता रहता है ओपनिंग ऑफ द सेट ऑफ सोडियम चैनल मेम्ब्रेन फर्दर एक्टिवेट्स ओपनिंग ऑफ मोर सोडियम चैनल थोड़े बहुत सोडियम चैनल खुले सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ डिपोलराइजेशन का वेव बन गया और ज्यादा सोडियम अंदर आ गया ठीक है तो ये जो mechanism of impulse transmission है, ऑलरेडी भी पे पे मेरे हैं, देख सकते हैं ठीक है जी? जी इसके अलावा हमारा अगला ही आने वाला होगा action potentials complete. Cycle, ये आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा था जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं सोडियम की एंट्री हुई एक्सॉन के अंदर राइट right? पोटेशियम का एग्जिट हुआ सोडियम लीकेज चैनल पोटासियम लीकेज हैं पोटेशियम लीकेज चैनल ज्यादा होते हैं मोर नंबर ऑफ पॉजिटिवली दे लीव चार्जाशियम सो इसीलिए नॉर्मली नीचे नेगेटिव रहता है है ना जैसे ही हमने स्टिमुलस दिया जब हमने स्टिमुलस दिया तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के खुलने से ज्यादा ज्यादा सोडियम अंदर आना शुरू कर देते हैं सो डीपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम ओके okay. डिटेल में ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा हुआ पे है मेरा आप देख लेंगे नर्वस सिस्टम के नाम से आपको मिल जाएगा इंपल्स ट्रांसमिशन का ठीक है जी राइट right मेरे बेटा चलो आगे बढ़े पॉजिटिव फीडबैक लूप का नेक्स्ट एग्जांपल है एल एच सर्ज एल एच इज ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन कहां से रिलीज हुआ एल एच इज रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एल एच लूटनाइजिंग हॉर्मोन ग्लाइकोप्रोटिनिश हॉर्मोन एलच एक्ट सॉन ओवरीशन हॉर्मोन फीमेल के पूरे हॉर्मोन का लेवल अलग अलग डेज पे चेंज होता रहता है वो हम मैं साइकिल में पढ़ेंगे कब होता है ओवुलेशन अकर्स फोर्टीन डेज बिफोर द नेक्स्ट साइकिल जो नेक्स्ट मैं साइकिल जब होना है उससे चौदह दिन पहले ओवुलेशन होता है मान लो किसी का साइकिल 28 दिन का है उसमें से फोर्टीन माइनस कर दो तो उसका डे ऑफ ओवुलेशन हो गया फोर्टीन किसी का साइकिल थर्टी डेज़ का है थर्टी में से फोर्टीन माइनस कर दो उसका डे ऑफ ओवुलेशन हो गया सिक्सटीन हम जनरली कह देते हैं अकर्स इन द द मिड ऑफ साइकिल वो हम तब कहते हैं जब साइकिल 28 दिन का हो सभी फीमेल्स में 28 डेज का साइकिल नहीं होता सम फीमेल्स कैन हैव अ 40 डे साइकिल आल्सो अगर किसी फीमेल का 40 दिन का साइकिल है तो उसका डे ऑफ ओवोलेशन 40 माइनस फोर्टीन राइट दैट इज डे 26 तो सिंपल फार्मूला है

एल एच का लेवल बढ़ता है सो वट इज एल एच सर्ज इट इज शार्प इंक्रीज इन द लेवल दल एच अप्रोक्सिमेटली वन डे प्रायर टू ओव्यूलेशन वन और टू प्रायर टू ओव्यूलेशन अभी करवाया किसने ये हुआ ईस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट के कारण शुरुआत के दिनों में जो फॉलिकल डेवलप हो रहा था वो फॉलिकल ईस्ट्रोजन से कर रहे हैं दैट इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इज हैविंग अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन है में को रख है। लेकिन इसी ईस्ट्रोजन का एक पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट हो जाता है पिट्यूटरी के साथ और वो ज्यादा ज्यादा एल एच बनाने को कहता है ईस्ट्रोजन पिट्यूटरी को कहता है कि अभी तक मैं तुम पे नेगेटिव इफेक्ट करता आया था लेकिन अब जरूरत है मैं तुम पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालूंगा इस पॉजिटिव फीडबैक लूप के कारण अब तुम ज्यादा एल रिलीज करो एलएच सर्ज होगा ग्राफियन फॉलिकल की वॉल रप्चर हो जाएगी और सेकेंडरी यूसाइट रिलीज हो जाएगा दैट इज वट इज कॉल्ड ओवुलेशन क्लियर हुई इतनी बात सुशील प्रवीण इज इट क्लियर एलेट सर्ज बाकी मैं एलेट ज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और डिटेल में बताऊंगा ध्यान रखना ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन एल एच एफ एस एच एज वेल एज पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट यहां पर एक पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट का उदाहरण लिया है नेक्स्ट इज सकलिंग रिफ्लेक्स बच्चे के जन्म के बाद द मदर हैज टू फीड द बेबी ऑन हर मिल्क मेमरी ग्लैंड में मिल्क भर गया है प्रोलेक्ट्रीन इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ द मिल्क ध्यान रखना दो हॉर्मोन्स का रोल यहां पे आपको बता रहा हूं लेक्टेशन में प्रोलेक्टिन प्रोलेक्टिन पी से प्रोलेक्टिन पी से प्रोडक्शन सो ध्यान रखिएगा प्रोलेक्टिन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वेर एज ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो हमने बर्थ हार्मोन कहा था ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन हार्मोन मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन। मेल्स में भी ऑक्सीटोसिन होता है दैट विल डिस्कस इन द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन इन डिटेल फिलहाल हम देख रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है ना दैट एक्ट्स ऑन मायो एपिथेलियल सेल्स

ये लिखा है ना यहां पे पर राजी हाइपोथेलोमिस मैके पास गया हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटर से कहा कि भैया तुम ज्यादा साथ साथ प्रोलेक्टिन बनाओ बोथ प्रोलेक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन दे आर इन्वॉल्व इन लेक्टेशन सकलिंग एक रिफ्लेक्स है बच्चा मेमोरी ग्लैंड पे फीड करेगा वो स्टिमुलस जाएगा ब्रेन तक और ऑक्सीटोसिन प्रोलेक्टिन और ज्यादा मिल्क रिलीज हुआ बच्चे ने फिर फीड करा तो एक पॉजिटिव फीडबैक है अच्छा ये जरूरी नहीं होता कि बच्चा अगर सकलिंग करेगा मेमोरी ग्लैंड पे तभी मिल्क रिलीज होगा इवन द साइट और साउंड ऑफ अ क्राइंग बेबी इमोशनली अटैच है बच्चे से वो देखती है कि बच्चा भूखा है रो रहा है तो भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है एंड मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज होने लग जाएगा ठीक है पॉजिटिव फीडबैक लूप में नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सपोज यहां पर एंटेरोपेप्टाइडिस जो है ट्रिप्सिनोजन को मान लो इसने ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा है ना ट्रिप्सिनोजन कहां से आया पेनक्रियास पेनक्रियास के जो एक्सोक्राइन पार्ट है उन्होंने ट्रिप्सिनोजन बनाया ट्रिप्सिनोजन इज एन एक्टिव इसको एक्टिवेट करना है

तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये एग्जाम्पल हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक का क्लियर है मजा आ रहा है जी आर यू एंजॉइंग द सेशन राइट ठीक है ऐसे रेगुलर पढ़ना है देख लो एमबीबीएस की सारी पढ़ाई इसी तरह से हो जाएगी इन लेक्चर्स को बाद में रिवाइज करने के लिए आप फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पर भी देख सकते हैं ब्यूटीफुल नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और क्या चाहिए ठीक है ना अब मैं आपको फीड फॉरवर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं अभी तक फीडबैक बताया था में फीडबैक के दो टाइप्स नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक अब आते हैं फीड फॉरवर्ड फीड फॉरवर्ड बताया था ना कि भाई पहले से शरीर एंटिसिपेट कर लेता है कि ये चीज होने वाली है जैसे एंटिसिपेटरी टेकी कार्डिया आई से टेकी कार्डिया वर्ड का मतलब क्या है टरी रेट इवन बिफोर दी स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज ड्यू टू साइकिक स्टिमुलेशन एक्सरसाइज करनी है भाई हमने ना हमारे सामने सारे इक्विपमेंट्स सा है ये वो अब हम करने जा रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट हार्ट रेट बढ़ जाता है दैट इज अ फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्मल इज सिफेलिक फेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन जैसे आपके सामने स्वादिष्ट भोजन रखा है अभी आपने देख लिया या भोजन पाकर है आपको खुशबू आ गई आपको कढ़ाई में पकौड़े तलने की आवाज आ गई एक तो हमारे मुंह में सलाइवा भी आ जाता है पहले से वो भी एक फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म है ना सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू स्मेल साइड थॉट फील ऑफ फूड एंड देन सिफेलिक फेस ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन जस्ट थिंकिंग अबाउट द फूड इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन यह भी एक फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म है रोल ऑफ सेरिबेलम इन मोटर कोऑर्डिनेशन ये एग्जांपल याद रखिएगा देन इंसुलिन सिक्रीशन इन रिस्पांस टू एंट्री ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में जब भोजन पहुंचा है तो इंसुलिन का रिलीज हुआ है अब जब हमने ब्लड ग्लूकोज से रिलेट करा था इंसुलिन का तो ध्यान रखिएगा वो कैसे नेगेटिव फीडबैक है ये हम फीड फॉरवर्ड की एग्जांपल में ले रहे थर्मोरेगुलेशन थर्मोरेगुलेशन फीड फॉरवर्ड में आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने थर्मोरेगुलेशन हमें नेगेटिव फीडबैक में बताया था गौर से सुनो थर्मोरेगुलेशन सेंट्रल आर लोकेटेड विद इन बॉडी शरीर के अंदर है दे आर कॉल्ड सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर थर्मोरिसेप्टर आर ऑल्सो लोकेटेड इन योर स्किन हमारी चमड़ी में भी तो है उनको कहते हैं पेरीफेरल थर्मोरिसेप्टर तो दो तरह के हो गए थर्मोरिसेप्टर दो तरह के हो गए सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर जो शरीर के अंदर लोकेटेड है पेरीफेरल थर्मोरिसप्टर जो पेरीफेरल रीजन में यानी स्किन में लोकेटेड है अब सेंट्रल थर्मोरिसप्टर जो होते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताने जा रहा हूं से सुनिएगा सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर फंक्शन एज कन्वेंशनल फीडबैक सेंसर्स सेंट्रल वाले कन्वेंशनल फीडबैक सेंसर्स हैं फ द कोर बॉडी टेम्परेचर फॉल्स टू थर्टी सिक्स डिग्रीज देन द कंट्रोल सिस्टम विल ब्रिंग इट बैक टू द सेट पॉइंट यानी थर्टी सेवन डिग्री तो सेंट्रल की जो शरीर के अंदर है वह तो फीडबैक सेंसर है लेकिन लेकिन जो पेरीफेरल थर्मोरिसप्टर्स हैं जो आपकी स्किन में लोकेटेड है दे फंक्शन एज फीडबैक फॉरवर्ड सेंसर या सिंपली फीड फॉरवर्ड सेंसर्स राइट इंट इज इंपॉर्टेंट अब आपको समझ आएगा थर्मोरेग्युलेशन दोनों में एग्जाम्पल कैसे आ जाता है मान लीजिए एनवायरमेंट का टेम्परेचर घटा डिक्रीज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर दैट इज रेपिडली सेंसड बाई स्किन थर्मोरिसेप्ट मान लो जहां मैं बैठा हूं बाहर की तरफ बहुत ठंड कर दीजिए मेरी स्किन को पता चला ना अंदर कोर बॉडी टेम्परेचर को तो प्रभावित नहीं हुआ स्किन को पता चला दैट इज रेपिडली सेंस बाय द स्किन और क्या होगा फटाफट कंपेंसेटरी थर्मोरेगुलेटरी रिस्पांस इनिशिएट हो जाएगा बिफोर देयर इज एन एप्रिशिएबल फॉल इन द कोर बॉडी टेम्परेचर शरीर कहेगा भैया पेरिफेरल रीजन में ठंड महसूस हो रही है अंदर का कोर बॉडी टेम्परेचर प्रभावित ना हो जाए इससे पहले ही मैं मैकेनिज्म इनिशिएट कर दू है ना तो पहले ही शुरुआत हो गई ना पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स ने करवा दी नाउ यू गॉट इट दिस इज हाउ इट इज अ फीड फॉरवर्ड

रिस्पॉन्स टू अनदर सब्सटेंस इवन दो द फर्स्ट सब्सटेंस डॉट एग्जर्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स ऑन इट्स ओन समझो ध्यान से अभी एग्जाम्पल के साथ समझ आएगी मैं दोबारा रिपीट करता हूं किसी चीज को पोटेंशिएट कर देना और बढ़ा देना कैसे होता है एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द रिलीज ऑफ जी आई हॉर्मोन्स गेस्ट्रो इंटेस्टीनल ट्रैक के हॉर्मोन्स हैं इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू अल आपने कोई भोजन खाया मील गया इंटेस्टाइन में जीआई ट्रैक के अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज होंगे ये हॉर्मोन्स क्या कर देंगे ये हॉर्मोन्स इतने चला के दीज हॉर्मोन्स कैन पोटेंशिएट द पेनक्रियाटिक इंसुलिन रिस्पॉन्स टू तो द एब्सॉर्ब ग्लूकोज इन हॉर्मोन्स ने उससे भी आगे का काम करवा दिया आपने भोजन खाया इंटेस्टाइन में पहुंचा कायम पहुंचा है ना

एक बदलाव पहले हुआ है उसने आगे के होने वाले बदलाव के असर को और बेहतर बना दिया दैट इज पोटेंसिएशन सो इट इज अ काइंड ऑफ़ फीड फॉरवर्ड पोटेंसिएशन बिकॉज आप समझिए इसमें जी आई ट्रैक्ट हॉर्मोन्स ने क्या करा एक अनाउंसमेंट कर दी पहले से डिक्लेयर कर दिया जी आई हॉर्मोन्स अनाउंस इन्होंने अनाउंस कर दिया किसके बारे में अपकमिंग इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज बिकॉज मील आया है हार्मोन रिलीज हो गए हॉर्मोन्स को पता है कि जो मील आया है जो कार्बोहाइड्रेट आए हैं डाइजेस्ट हो जाएंगे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा भैया पेनक्रिया को पहले से ही बता दो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने वाला है तुम अपने हॉर्मोन बना दो ठीक है जी सो जी आई दे अनाउंस द अपकमिंग इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज बिफोर द ग्लूकोज एब्सॉर्बन अभी तो ग्लूकोज ब्लड में एब्सॉर्व हुआ भी नहीं था ठीक है जी तो so, जब ग्लूकोज फाइनली अराइव वाया द ब्लड स्ट्रीम एट द पेनक्रियाज ग्लूकोज एब्सॉर्ब हुआ पेनक्रियास तक पहुंचा देयर इज द पोटेंशिएटेड इंसुलिन रिस्पॉन्स सच दैट हाइपर इज प्रिवेंटेड पेनक्रियास पहले से ही तैयार बैठे थे पेनक्रियास ने कहा कि भैया ग्लूकोज तुम तो अभी आए हो मुझे तो जीआई ट्रैक के हॉर्मोन्स ने पहले ही बता दिया था ऐसा कुछ होने वाला है मोहित इज इट क्लियर राइट समझ आ गई ना बात मेरी पोटेंशिएशन यू कैन गेट अ क्वेश्चन वट इज पोटेंसिएशन ये एग्जाम्पल साथ में दे दीजिएगा फुल मार्क्स मिलेंगे ना वट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर मैकेज मेजर ऑफ एक्सी ऑफ रेगुलेशन सिस्टम कोई रेगुलेशन सिस्टम कितना एक्यूरेट है दैट लीड्स टू सम कंट्रोल्ड वेरिएबल बट टू असर एक्सटेंड सो रीचिंग टू अटेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी ऑफ फिजियोलॉजिकल बैलेंस में नॉट बीबल हंड्रेड परसेंट एफिश नहीं हो सकता कही न कहीं ना कहीं एर जरूर रह जाता है चेंज विद द रेगुलेशन अगर रेगुलेटरी मैकेजम ऑपरेट करा तो क्या बदलाव है एंड चेंज विदाउट द रेगुलेशन अगर वो मैकेनिज्म नहीं ऑपरेट करा तो क्या बदलाव है आगे समझिए और बेहतर समझ आएगा गेन वॉट इज गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इस पे क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल इस पे आता है एम्स की एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया सुनो ध्यान से द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस विद विच कंट्रोल सिस्टम मेंटेन्स कांस्टेंट कंडीशन इज डिटर्मिंड बाय द गेन ऑफ द नेगेटिव फीडबैक से फॉर एग्जांपल अभी आपका ब्लड प्रेशर मान लो मैं कहूं हंड्रेड एम एम आपका बीपी है है ना और किसी कारण से आपका बीपी बढ़ जाता है मैंने कहा जी तेज दौड़ी आपका बीपी बढ़ेगा आपका बीपी बढ़ गया और 175 हो गया अब 175 हो गया सौ से बढ़ के इस 175 को नीचे लाना पड़ेगा ना नॉर्मलाइज करना पड़ेगा शरीर के बैरो रिसेप्टर्स बैरोप्टर सब चीजों को पता चलेगा वो एक्टिवेट हो जाएंगे वो कहेंगे भाई बीपी बढ़ा हुआ है इसे वापस कंट्रोल करो सौ से बढ़ के एक सौ पिचहत्तर हुआ जब शरीर ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी तो एक सौ पिचहत्तर से सौ तक नहीं आया मान लो एक सौ बीस तक आ गया से so 175 से 120 तक आ गया सो वन सेवेंटी से 120 तक आया मतलब 50 पचास एम एम मर्क्री तक कंट्रोल हो गया लेकिन अभी भी बीस तो बड़ा हुआ है ना वो एरर तो है ना सौ से बीस का एरर है है ना तो वो जो एरर है अब हम गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए गेन इज इक्वल टू करेक्शन बाय एरर गेन इज इक्वल टू जितना करेक्ट करा था सौ था ब्लड प्रेशर सौ से बढ़ के एक सौ पिचहत्तर हुआ शरीर ने एक सौ पिछहत्तर से मान लीजिए एक सौ बीस कर दिया पचास का करेक्शन कर दिया परंतु अभी भी बीस का तो अंतर है सो पचास बटा बीस दैट विल बी व्हाट इज योर गेन समझ आई बात क्लियर है शैल आई रिपीट द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस विद विच अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन्स कितने बेहतर तरीके से वो सिस्टम काम कर रहा है टू मेंटेन द कांस्टेंट कंडीशन इसे नापने के लिए आप कह दीजिए एक पैमाना है दैट इज गेन कंट्रोल सिस्टम इज नॉट हंड्रेड परसेंट एफिशियंट थोड़ा एरर हमेशा रह जाएगा फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज ट्रांसफ्यूज इन टू अ पर्सन Whose is not एक में हमने blood करा, और उस का काम नहीं कर रहा. तो क्या होगा? उसका उसका आर्टीरियल प्रेशर राइज कर जाएगा नॉर्मल सौ से एक सौ पिचहत्तर तक मान लीजिए ये था नॉर्मल ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है ध्यान से देखो 100 एम एम मर्क्री से शूटअप कर गया उसका ब्लड प्रेशर 175 mm of mercury. इतनी बात normal BP 120 120 हम 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 कहते हैं, हैं इतना perfectly 120 नहीं आता, एक लेके चल रहे पे कि भाई 100 है, is it clear? No. अब हम assume करते द सेम वैल्यूम ऑफ ब्लड इज इंजेक्टेड इन टू द सेम पर्सन वेन द रिसेप्टर सिस्टम इज फंक्शनिंग जब उसका रिसेप्टर सिस्टम फंक्शन कर रहा है इस समय क्या होगा द प्रेशर इंक्रीज इज ओनली फाइव एम एम मर्क्री मतलब जो उसका हंड्रेड था प्रेशर अब उसका सिस्टम काम कर रहा है सब कुछ ठीक ठाक है पहले नहीं ठीक ठाक था तो एक सौ पचहत्तर हो गया अब केवल पच्चीस का एडिशन हुआ मतलब वन ट्वेंटी फाइव एम एम बड़ा है ठीक है जब सिस्टम ठीक नहीं था तो एक सौ पचहत्तर जब ठीक है तो 125, मतलब सिस्टम ने कितने का उसको एक तरह से करेक्शन दे दिया है ध्यान दीजिएगा द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज कॉस्ड अ करेक्शन ऑफ 50 एम एम मरकरी फ्रॉम 175 सेवेंटी फाइव एम एम मर्करी टू वन ट्वेंटी फाइव एम एम 175 से 125 तक ले आया तो 50 का डिफरेंस आ गया अगर 175 से 120 तक लाता तो 55 का डिफरेंस आता है ना पीछे के एग्जांपल में शायद एक चीज यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा uh, यहां पे हम 175 से 120 तक लेके आए ना तो 55 आएगा प्लीज करेक्ट इट या तो हम इसको 170 ले सकते हैं एक एग्जांपल था ये चलो वापस लौटते हैं देयर रिमेंस एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ प्लस 25 एमएम दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एरर अब आपको बात समझ आ गई कंट्रोल सिस्टम कितना भी इफेक्टिव हो जाए लेकिन 100% इफेक्टिव नहीं हो सकता सो इन दिस एग्जांपल द करेक्शन इज -50 mm मरकरी क्योंकि 50 तक वो नीचे ले आया लेकिन अभी भी 25 का एरर बचा हुआ है देयरफॉर द गेन ऑफ द पर्संस बैरोरिसेप्टर सिस्टम फॉर कंट्रोल ऑफ द आर्टेरियल प्रेशर इज -50 जितना करेक्शन कर दिया और जितना एरर अभी बचा है द रिजल्ट विल बी माइनस टू इज इट क्लियर कौशिला ठीक है जी सबको ये गेन वाली बात समझ आ गई कि कितना करेक्शन हुआ और अभी कितना एरर बच गया है गेन इज इक्वल टू करेक्शन डिवाइडेड बाय एर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं रेपिड लॉस ऑफ वन लीटर ऑफ ब्लड मान लीजिए किसी का एक लीटर खून लॉस हो गया इट लीड्स टू अ डिक्रीज इन मेन ब्लड प्रेशर फ्रॉम द सेट पॉइंट ऑफ हंड्रेड टू सेवेंटी फाइव चोट लगी एक लीटर खून बह गया सौ से गिर के प्रेशर पचहत्तर तक आ गया शरीर के जो मैकेजम्स हैं ऑपरेट करेंगे वो कहेंगे कि जल्दी से ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करो ठीक है सौ से हंड्रेड था ब्लड लॉस के कारण हंड्रेड से गिर के पचहत्तर तक आ गया लेकिन शरीर के कंट्रोल मैकेनिज्म ने उसे नॉर्मलाइज करके पिचानवे कर दिया नाइन्टी फाइव कर दिया ठीक है लेकिन अभी भी हंड्रेड नहीं कर पाए द करेक्शन देअर फोर इज ट्वेंटी ट्वेंटी तक का करेक्शन दे दिया पिचहत्तर में बीस जोड़ दीजिए ट्वेंटी का करेक्शन मिला लेकिन एरर अभी भी पांच का बाकी है सो करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर विल बी व्हाट बी व्हाट विल बी योर गेन ऑफ द सिस्टम क्लियर है जी इश्तियाक राइट right? चलो वेरी गुड अब आप इधर देख लीजिए उसी चीज को मैंने यहां पर ग्राफिकल वे में आपके सामने प्रेजेंट करा है हंड्रेड था प्रेशर हंड्रेड से गिर के सेवेंटी फाइव आया मेकेजम्स ने नाइनटी फाइव तक उसे रेगुलेट कर दिया ठीक है करेक्शन कर दिया था कितने का ट्वेंटी का एरर अभी भी बच गया है पांच का सो ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव गेन इज इक्वल टू करेक्शन बाय एरर यानी फोर का गेन है ठीक है जी राइट right? क्लियर है नाउ जो मैंने ब्लीडिंग वाला एग्जाम्पल लिया कि भाई एक लीटर खून जो है वो बह गया है और कैसे नॉर्मलाइज होगा लेकिन अगर दो लीटर खून बह जाता किसी इंसान का दो लीटर खून अगर बह गया है ब्लीडिंग इतनी ज्यादा है तो तो भैया मृत्यु को ही प्राप्ति होगी रिकवरी ऑफ द हार्ट पंपिंग कॉज्ड बाय नेगेटिव फीडबैक आफ्टर वन लीटर ऑफ ब्लड इज रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन वन लीटर ऑफ ब्लड गया तो काम

बड़ी बात ध्यान से पढ़ने वाली है जितना ज्यादा गेन होगा गेन वाली वैल्यू जितनी ज्यादा है हायर इज द गेन द हायर इज द रेशियो ऑफ करेक्शन टू रिमेनिंग एरर है ना मान लो जी पचास का करेक्शन कर दिया एक का नहीं करा तो गेन की वैल्यू फिफ्टी आ गई तो उसका मतलब बहुत बेहतर हुआ यह काम द बेटर इज द कंट्रोल सिस्टम एट रिस्टोरिंग द सिस्टम बैक टू द सेट पॉइंट तो गेन ज्यादा हो तो सिस्टम ज्यादा एफिशियंट है कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें गेन बहुत ही बेटर होता है गेन ऑफ सम अदर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स आर मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द बैरो रिसेप्टर सिस्टम बैरो रिसेप्टर सिस्टम का गेन उतना बेहतर नहीं है बट अगर हम बॉडी टेम्परेचर वाले मैकेनिज्म की बात करें गेन ऑफ द सिस्टम कंट्रोलिंग इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू मॉडरेटली कोल्ड वेदर इज अबाउट माइनस थर्टी थ्री राइट तो ये बेहतर है अब गेन कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल देख लीजिए यही questions MBBS में पूछे जाएंगे। The systolic blood pressure in a subject is 120 अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन मान लीजिए मेरा ब्लड प्रेशर एक सौ बीस एम एम मर्क्री है द बीपी बिकम्स हंड्रेड एम एम विद रेगुलेशन एंड सिक्स विदाउट रेगुलेशन ठीक है जी अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म चल रहा है तो बीपी हंड्रेड है मेंटेन हुआ विद रेगुलेशन रेगुलेशन एंड विदाउट हाउ विल यू कैलकुलेट द गेन यहां पे एरर कितने का आ रहा है जी ट्वेंटी सौ तक रेगुलेशन उसे ला सकता है लेकिन अभी भी बीस का डिफरेंस है लेकिन अगर मैकेनिज्म नहीं है तो वह साठ तक आ सकता है तो 60 से 120 तक आने में अंतर कितने का है जी 40 का करेक्शन

एक्सपेक्टेड चेंज विदाउट रेगुलेशन सत्रह डिग्री अगर रेगुलेशन नहीं हो पाता तो सत्रह डिग्री था क्लियर है जी सो so, यहां पर हम गेन कैलकुलेट कैसे कर लेंगे mm जैसे एकदम से खड़ा हुआ दस एम एम मर्क्री बीपी उसका नॉर्मल से कितना हो गया रिड्यूज हो गया And he regained only 8 mm of mercury. What is the gain? Or regain keval wo 8 kar paya. Correction here is plus 8 and the error is minus 2. So plus 8 divided by minus 2 that is minus 4. Right? Now, there are certain internal factors also which affect your homeostasis. Genetics say homeostasis prabhavit जेनेटिक प्री डिस्पोशन प्री डिस्पोजिशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्टन जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर जेनेटिकली कोई प्री डिस्पोज है किसी भी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए तो वहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो इक्विलिब्रियम को प्रभावित होमियोस्टेसिस uh, को प्रभावित करते हैं लाइफस्टाइल में आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए बैलेंस डाइट लीजिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेंटेन योर होमियो स्ट्रेसेस है ना डाइट विच इज डिवॉइड ऑफ आयरन अगर आपने आयरन नहीं लिया ऑफकोर्स इट विल लीड टू एनीमिया और बैलेंस डाइट लेंगे विद आयरन तो एनीमिया नहीं होगा तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो होमियोस्ट्रसिस को प्रभावित करते हैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज इज गोइंग टू इंप्रूव योर मेंटल एंड फिजिकल येलबींग इंक्रीजेस द मस्क्युलर मास स्टेबिलिटी एबिलिटी ऑफ द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द टिश्यूज सो होम्योस्ट्रसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हैं होम्योस्ट्रेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हैं इंटरनल में हो गए जेनेटिक्स एक्सटर्नल में डाइट एक्सरसाइज ये सब चीजें आ जाएंगी नो लेट सी वट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गेट इन योर एमबीबीएस एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ऐसे टाइप होते हैं जैसे डिफाइन होमियोस्टेसिज

शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आते हैं डिस्क्राइब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म गिविंग टू एग्जांपल्स पॉजिटिव फीडबैक की दो एग्जांपल्स क्या मैंने तो बहुत सारी एग्जांपल बताई हैं ब्लड क्लॉटिंग हो गया एल सर्ज हो गया पार्चुरेशन हो गया लेक्टेशन रिफ्लेक्स हो गया है ना देन डिस्क्राइब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म गिविंग टू एग्जाम्पल्स थर्मोरेगुलेशन का इंसुलिन मीडिएटेड ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल का पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स वाला कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो कैसे वो डिक्रीज होगा वो नेगेटिव फीडबैक में पढ़ा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर पढ़ा रिफ्लेक्स उसे कैसे डाउन करता है सो दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अब आप देख लो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की एग्जाम की तैयारी भी होगी आपके साथ के साथ राइट right? ऐसे ही वंडरफुल लेक्चर्स और आगे आते रहेंगे ये एक ये एक एमसीक्यू है आप खुद सॉल्व कीजिएगा ऑफ द द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फीडबैक गेन राइट मैंने अपने ये नोट्स अलग अलग बुक्स में से आपके लिए तैयार करे हैं वेरियस फॉरेन ऑथर बुक्स अच्छा एमबीबीएस फिजियोलॉजी के लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है उसका भी एक कंप्लीट वीडियो है चैनल पर आप देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा प्ले में राइट right? सो so, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं ऐसे ही और बेहतरीन लेक्चर्स लेके आता रहूंगा फिजियोलॉजी के एनाटॉमी के न्यूरो एनाटॉमी के बायोकेमिस्ट्री के एम्ब्रियोलॉजी के हिस्टोलॉजी के सोशल मीडिया पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे एमबीबीएस स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स का आप वो ज्वाइन कर सकते हैं सारा स्टडी मटेरियल वहां पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ये मेरा व्हाट्सऐप नंबर है जी आपके सामने ठीक है जी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा था ना वीडियो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा चलिए अब आपसे विदा लेते हैं नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल स्टे ब्लेस्ड पढ़ते रहिए खुश रहिए और बेहतरीन डॉक्टर बनिए